रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो अगले महीने इस ग्लैमरस अभिनेत्री संग करेंगे शादी, जानिए ये खास बातें। मुंबई। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो यानी महा अक्षय चक्रवर्ती अगले महीने मदालसा शर्मा से शादी करने वाले हैं। मिमो मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे हैं। मदालसा अभिनेत्री शीला शर्मा की बेटी हैं। शीला शर्मा ने नदिया के पार, हम साथ साथ हैं और चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी फिल्मों में काम किया है। शीला शर्मा ने लेखक सुभाष शर्मा से शादी की थी, जिनका मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस भी है। मदालसा भी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। मदालसा ने गणेश आचार्य की साल 2011 की फिल्म जेल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मदालसा का जन्म 26 सितंबर 1991 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मीठी बाई कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि वो हमेशा से जानती थी कि उन्हें एक एक्ट्रेस बनना है। मदालसा ने किशोर नमित कपूर के इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी है। उन्होंने गणेश आचार्य और श्याम अग्डावर की छत्रछाया में डांस भी सीखा है। मदालसा ने साल 2009 में तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके काम की तारीफ की गई। इसके अगले साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म शराय में काम किया। इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद भी उन्होंने कुछ तेलुगु फिल्म में काम किया जिसमें उनकी अभिनय को सराहा गया। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने फिल्म जेल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। मिथुन चक्रवर्ती की होने वाली बहू मदालसा बेहद ग्लैमरस हैं। उनकी तस्वीरों से साफ है कि वे ग्लैमर की दुनिया में बेहद एक्टिव रहती हैं। स्पॉट बॉय को दिए गए इंटरव्यू में मदालसा ने बताया, हमारी शादी 7 जुलाई को होगी। हम सभी काफी उत्साहित हैं। इस फंक्शन को सिंपल रखना चाहते हैं। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग है। मैं आपको जगह के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन वो मुंबई नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो 7 जुलाई को मदालसा और मिमोहूटी के होटल द मुनाक में एक दूसरे के साथ साथ फेरे लेंगे। शेयर करें, संदर्भ पढ़ें, रिपोर्ट 40 डिसलाइक, दोस्तों संग शेयर करें। रिकमेंडेड लेख, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं प्रणब मुखर्जी की बेटी, राजीव गांधी के आखिरी 45 मिनट उड़ा देंगे आपके होश।